बिहार में एनडीए गठबंधन में नीतीश और चिराग के बीच जारी जंग तलाक की ओर बढ़ रही है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी के सांसद और विधायकों की आपात बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में चिराग एनडीए से अलग होने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं, साथ ही एलजेपी बिहार की नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। बिहार सरकार में एलजेपी के दो विधायकों के समर्थन वापस लेने से नीतीश सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि नीतीश और चिराग के संबंध इतने खराब कैसे हुए। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की नीतीश सरकार की लगातार उनकी कमियां गिना रहे हैं, साथ ही वो विपक्ष की भाषा भी बोलते नजर आ रहे हैं। चिराग ने गोपालगंज में अप्रोच रोड के बहने से लेकर बिहार चुनाव टालने तक लगातार विपक्ष की मांग का पुरजोर समर्थन किया। वो लगातार कहते रहे, हमारा तो गठबंधन बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान ने पिछले दिनों नीतीश सरकार को बाढ़ और महामारी के मुद्दे पर दो बार पत्र भी लिखा और सरकार की विफलता के बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाया। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के द्वारा ऐसे पत्र से नीतीश कुमार काफी असहज हो गए हैं। ये तो हुई बिहार में एलजेपी और जेडीयू के टकराव की कहानी, लेकिन नीतीश और चिराग के टकराव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग। माना जा रहा है कि चिराग पासवान की नीतीश कुमार के साथ टकराव की मुख्य वजह बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव में कम से कम 43 सीटों पर लड़ना चाहती है, मगर नीतीश कुमार एलजेपी को 30 सीट से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं है। बैठक से पहले चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बिहार में बाढ़ और कोविड-19 महामारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। एलजेपी अध्यक्ष ने कहा, हर बैठक अहम होती है और बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार में कोविड-19 महामारी के साथ साथ बाढ़ का भी मुद्दा है। एनडीए की लड़ाई पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। सुनिए तेजस्वी ने एनडीए की लड़ाई पर क्या कहा। हो जाने दीजिए ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहीं होता। हम पहले क्या बयान दें, उनके घर का मामला है, उनके गठबंधन का मामला है, इस पे पूर्व में कोई टिप्पा टिप्पणी करना कितना उचित रहेगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक बात तो सच है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। बिहार में एनडीए गठबंधन में जारी कलह पर सभी की नजर है। क्या एलजेपी एनडीए को छोड़ देगी? क्या एनडीए को छोड़कर एलजेपी महागठबंधन में आएगी? क्या एलजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या चुनाव से पहले एनडीए छोड़ने से एलजेपी को फायदा होगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। पटना से रोहित सिंह, बिहार तक।